फ्रीलांसर में आप पहली बार देखेंगे एक इंडियन मर्सनरी कैसे वर्ल्ड में ऑपरेट करता है। हमने इंडियन वेब सीरीज का फिल्म में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। यूजुअली एक ऑपरेटिव एक बंदा कोई या तो कोई सरकार के साथ अटैच होता है या कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होता है। फ्रीलांसर सिर्फ अपने लिए काम करता है, सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। ये ऐसे बंदे की कहानी है जो मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप में हाई स्टेक्स सिक्योरिटी असाइनमेंट्स उठाता है सिर्फ पैसों के लिए। और ऐसे बंदे के लाइफ में एक पुरानी प्रॉमिस जो उसने कर रखी है उसकी वजह से एक मिशन आता है इन विच ही हैज टू सेव समवन हु ही लव्स, समवन ही हैज एन इमोशनल कनेक्ट, एंड दैट्स द एक्सट्रैक्शन। इट्स एन इमोशनल एक्सट्रैक्शन स्टोरी ऑफ एज ऑफ द सीट थ्रिलर ऑफ हाउ ही हेल्प्स आलिया कम आउट ऑफ a conflict zone, the likes of which you haven't seen before. Well, thank you so much. You know, as an actor, आप हमेशा चाहते हैं कि आप कुछ अलग और नया काम करें। When I say नया और अलग is, it means कि आप एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जो आपने कभी पहले उस दुनिया में गए नहीं हो। So इसी प्रकार से जो नीरज पांडे जी की दुनिया है जो वो usually recreate करते हैं हर बार नए तरीके से, उसका भाग बनने का मुझे हिस्सा मिला। द फ्रीलांसर, जैसे कि भाव हमारे डायरेक्टर जिन्होंने आपको बताया, द फ्रीलांसर ये कहानी एक ऐसे एक मर्सनरी की है जो किस हद तक जा सकता है अपने एक चाहने वाले को बचाने के लिए, जिसका किरदार आलिया का किरदार कश्मीरा ने निभाया है। सो आई थिंक ये कहानी बहुत अलग तरीके से कही गई है बिकॉज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये कहानी बेस्ड है। ये कहानी एक टिकट टू सीरिया जो एक बुक है शिरीष थोराट जी की, उसके ऊपर बेस्ड है, जिसको अडाप्ट नीरज सर ने किया है अंडर द फ्राइडे स्टोरी टेलर्स। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जितना प्यार लोगों ने पहले नीरज सर के साथ स्पेशल ऑप्स को दिया, आई होप एंड प्रे वही प्यार फ्रीलांसर को भी मिले बिकॉज ये कहानी बहुत मेहनत बहुत प्यार से कही गई है। हमने ये प्राइमरली मोरक्को में से शूट किया था जहाँ पर एक्सटेंसिवली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्माई गई है। हमारे जो क्रू था वो भी इंटरनेशनल बेस्ड क्रू था, हमारी कास्ट भी बहुत हद तक इंटरनेशनल बेस्ड है। हमारे पास कलाकार जो यूएस से आए थे, अरब से आए थे, वी हैड पीपल फ्रॉम यूके एज वेल। सो आई गेस ऐसी कहानी, एक ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी एक लिमिटेड टाइम स्पेस में, आई डोंट थिंक इंडिया में पहले कहीं कभी बनाई गई है। एपिसोड्स इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं, इट्स नॉट लिमिटेड टू एन नंबर ऑफ एपिसोड्स। आपको ये कहानी का जब ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आप बहुत सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी बात कर सकते हैं। मेरा किरदार अविनाश कामत का है जो अपने चाहने वाले, जो उन्होंने एक वादा अपने भाई सुशांत सिंह ने जिसका किरदार निभाया है उससे किया था, किस तरीके से वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उस वादे को निभाने के लिए, वो कहानी है द फ्रीलांसर की। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऐसा होता है कि इतना जल्दी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए फॉर एन इंट्रोडक्शन स्पेशली, ये बहुत ही कम होता है और ये हर एक एक्टर का ड्रीम होता है कि वो नीरज पांडे सर के वर्ल्ड का एक हिस्सा बने। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन इंट्रोडक्शन इज़ हैपनिंग थ्रू हिम एंड आई एम पेयर्ड अलॉन्ग विद actors like Mohit Raina and the likes of Mr. Anupam Kher, which seldom happens, I think. And being directed by Bhav also has been a cakewalk because he makes things so easy for you. Because when you work with them, when you work with Friday Filmworks or such a project that Disney Plus Hotstar is taking with them, when you work with them, you prepare a little more. But when people who are so experienced, they give you confidence. They tell you that you can do it. And that gives you a confidence boost. And yeah, it is. But as an actor, I think every actor looks for an opportunity like this that gives you a canvas like that, to a scope to perform.